इमरान खान ये कह सकते हैं जी कि देखें मैं तो चीन और रूस के करीब होना चाह रहा हूं और मुझे मगरब सजा दे रहा है, मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, मुझे उसकी सजा मिल रही है, और इमरान खान साहब अपने सियासी मकसद के लिए पाकिस्तान का भी नुकसान कर रहे हैं, आप इसको किस एंगल से देखते हैं? क्या इमरान खान साहब इसी यही लाइन ले रहे हैं? इसके बारे में मेरा जो जो दिमाग या मैं सोच रहा हूं, खान साहब के जो एडवाइजर हैं वो इतने दूर अंदेश नहीं है। खान साहब ने जाने से पहले मीडिया के हवाले से अगर सोचा जाए तो जो पीका आर्डिनेंस का हवाला उन्होंने इन्फोर्स किया वो एक एक, एक मेरे ख्याल में सहाफत का गला बंद करने की कोशिश है, गला काटने की कोशिश की गई, और उसके बाद जिस तरीके से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फिर उसको रोका तो मेरे ख्याल में तो इस खान साहब के लिए वो एक ब्लंडर था। दूसरा ये जो आप कह रहे हैं कि खान साहब वहां जाएंगे तो खान साहब के साथ जो रूलिंग एलीट है वो तो पहले सारे फॉरेन नेशनल है, वो तो फॉरेन आराम से, वो पहले मैंने बताया वन वे फ्लाइट वाले हैं, वो तो सारे लंदन चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, अमेरिका आ जाएंगे, मार तो पाकिस्तान खाएगा। अगर सोचा जाए अगर पाकिस्तान फेडअप की ब्लैकलिस्ट में जाता है तो रूलिंग एलीट का नुकसान नहीं है, वो तो उनके सबकी जायदादें और अकाउंट तो सारे बाहर हैं, मार तो खाएगा पाकिस्तान। अच्छा अगर ब्लैकलिस्ट में नहीं भी जाता फाटक की तो आने वाले दिन, इस वक्त जो रशिया जो कुछ कर रहा है यूक्रेन में उसका पहला इंपैक्ट ये है कि आपके पेट्रोल की प्राइसें बढ़ रही हैं। इस वक्त $100 का बैरल तो पहले चल रहा है, ये 150 पे जाने वाला है विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो पाकिस्तान के ऊपर एक महंगाई का तूफान आने वाला है। और दूसरा उसके बाद आपका स्टेट बैंक भी इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके बाद आप IMF के आप तारों में बंधे हुए हैं और आपके फाइनेंशियल हालात ये है कि आप लोगों को कह रहे हैं कि हमारे बैंकों में आके सोना जमा कराएं और आप इस तरह आपके माशी हालात तो कोई ढके छुपे है नहीं है। लेकिन इन सारे सर्कमस्टांसिस को देखा जाए तो आपको रशिया जाना चाहिए था इस टाइमिंग पे। हाँ साहब को एडवाइजर मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा मेच्योर नहीं है, कुछ जज्बाती फैसले करते हैं या किसी जल्दी में है, ये लग रहा है कि चाइना से आके फौरन रशिया जाना चाह रहे थे। आज खान साहब के एक एडवाइजर ने एक और छोड़ी है बात कि खान साहब वापस आके यूरोप के दौरे में जाना चाह रहे हैं। देखिए मेरे ख्याल में बाहर के मुल्कों में तब जाया जाता है, बाइलैटरल रिलेशनशिप तब होते हैं जब आपके पास देने के लिए कुछ हो। अगर सोचा जाए तो इस वक्त के ब्लंडर में रशिया के ब्लंडर आप थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कि जी हम पाइपलाइन के लिए जा रहे हैं, पाइपलाइन कैसे बनाएंगे जब रशिया खुद सैंक्शन के अंडर आ गया, किस तरह बनेगी वो। और उसके बाद अगर देखा जाए तो आप स्टील मिल और दूसरे जितने तरक्याती मंसूबे आप पाकिस्तान में आके लोगों को बताना चाह रहे हैं जी हम रशिया से लेकर आए हैं, रशिया तो खुद सैंक्शन के नीचे आ रहा है। और उसके बाद अगर आप खुद इस तरह के किसी ब्लैकलिस्ट में आते हैं तो ना बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आ सकेगा ना जा सकेगा, आप किस तरह करेंगे सारा कुछ ये मैनेज, ये मेरी समझ से बाहर है। इस वक्त इन हालात में दो चीजें मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है तीन चार एंगल से, चाइना से पैसे बनाने की कोशिश की जा रही है इंडिया के साथ दुश्मनी की वजह से, उसको एग्जैजुरेट करके वहां से पैसे, अब रशिया के पास गए हैं अमेरिका की दुश्मनी को एग्जैजुरेट करके ताकि उनसे पैसे कोई बन सके। पाकिस्तानी एम्बेसडर है उनका नाम है मेजर जनरल इजराइल, उन्होंने जाके यूक्रेन को मैसेज ये दिया है कि पाकिस्तान इज स्टैंडिंग विद यू, वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर जाके पुतिन के साथ खड़े हैं। और इसके पहले की स्टेटमेंट देख लें कि चाइना में जाके स्टेटमेंट दी गई है कि हम चाइना और अमेरिका के आपस में रिलेशनशिप ठीक कराएंगे, अब वो देखें अमेरिका आपकी कॉल नहीं लेता, बाइडन आपको कॉल नहीं करता, CPAC आपका बंद पड़ा है, चाइना आपसे नाराज है, दोनों कंट्रीज आपके साथ नाराज है और आप कहते हैं कि हम आपकी सुलह करा देंगे, पहले अपनी सुलह तो कर ले उनके साथ। आज पता चला है कि पुतिन साहब ने कॉल की है नरेंद्र मोदी को और वो जो कॉल है जाहिर बात है वो क्योंकि इंडिया को वो समझते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका का, उन्होंने कॉल की है क्लैरिफाई करने के लिए अपनी पोजीशन कि जी हमने ये हमला क्यों किया, ये हमारे इसमें क्या नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो भी जाहिर बात है दोनों ममालिक के हिस्टोरिकल मामला था हम उसमें नहीं आते, लेकिन ये बताएं कि इमरान खान की मौजूदगी मॉस्को में, और आपने देखा कि इमरान खान साहब जिस तरह मिले हैं पुतिन साहब को, ना उनके चेहरे पर स्माइल थी ना उनके चेहरे पर स्माइल थी, दोनों ऐसे जैसे कोई पता नहीं किसी परेशानी में इकट्ठे हुए हैं यहां पे, तो इमरान खान साहब की मौजूदगी में उन्होंने हमला कर दिया और पुतिन को मोदी जी को कॉलिंग करके वो कह रहे हैं कि हम तो अपनी सफाइयां दे रहे हैं या बता रहे हैं अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं। सो आप पाकिस्तान और इंडिया का इस कॉन्फ्लिक्ट में या इस सिचुएशन में कैसे देखते हैं, इस सिचुएशन में कैसे रोल आइंदा मुस्तकबिल में देखते हैं इंडिया का खास करके, क्योंकि पाकिस्तान की तो मौजूदगी में उन्होंने हमला कर दिया जो हमारी जो है वो एक हमारे लिए चैलेंज बन गया हमारे डेलीगेशन के लिए वहां पर। मैं समझता हूं कि भारत के बड़े अच्छे तरीके से अपने कार्ड्स खेले फॉरेन पॉलिसी के,
आज सऊदी अरेबिया के हाई मिलिट्री ऑफिसर का दौरा, उसके बाद उन्होंने S-400 इंडिया से लिए, टर्की से ड्रोन लिए, राफेल लिए उन्होंने जहाज, अमेरिका से अभी वो ड्रोन लेने की भी बातें चल रही है उनकी। और ये सारे देखें, मैंने पहले आपको अर्ज किया था, इंडिया के साथ कंपेयर करना पाकिस्तान की चीजों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी, होना ही नहीं चाहिए। वो जहां जाते हैं एज ए कस्टमर जाते हैं, हम जाते हैं वहां से लेने जाते हैं पैसे, हम खैरात मांगते हैं। उनकी गंदम अफगानिस्तान पहुंच रही है, आपने कुछ भेजा, आप भेजने की सख्त रखते हैं वहां पर। अब उनके रिलेशनशिप को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना एक ज्यादती, पहले तो नंबर पर यह है। और दूसरा, पाकिस्तान को मेरे ख्याल में लीडर ऐसा चाहिए था जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देता है,